वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी प्रेगनेंसी कॉर्नर में एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है और वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा टॉपिक है वो है कि लेबर पेंस कितनी तेज़ होती हैं, डिलीवरी दर्द कितनी तेज़ होती है जब आप बच्चा डिलीवर करने वाली हैं। ये तो आपने सबने सुना ही होगा कि जो लेबर पेंस होती हैं उससे बढ़कर दुनिया में कोई पेन नहीं है, इतनी ज़्यादा दर्द आप फील करती हैं। लेबर पेंस को कम करने के कई तरीके आ गए हैं साइंस में, मेडिकल लाइन में, लेकिन स्टिल इस पेन को फिनिश करने के, पेन को रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। लेकिन मैं साथ में ये भी आपको क्लियर कर दूं कि हर एक की लेबर पेंस डिफरेंट होती हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपकी फ्रेंड ने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है डिलीवरी का वही आपके साथ भी हो। हो सकता है कि आपकी फ्रेंड को जितनी पेन हुई है उतनी आपको ना हो, या फिर हो सकता है कि जितनी कम उसे हुई है उतनी कम आपको ना हो। हर बॉडी अलग है, हर महिला अलग है, हर एक्सपीरियंस अलग है, हर एक की डिलीवरी भी अलग अलग टाइप की होती है। माँ बनना दुनिया का सबसे प्यारा अनुभव है, लेकिन ये अनुभव एक बहुत बड़े दर्द से गुजरता है, ये भी एक सच्चाई है। पेंस कई लोगों को, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको लेबर पेंस बहुत कम होती हैं, वो बहुत ही कम लेबर पेंस से गुजरती हैं। उनको जस्ट इतना ही फील होता है जैसे कि पीरियड्स के दौरान जितनी पेन होती है इतनी ही पेन उनको लेबर पेंस में होती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी जो लेबर पेंस जो होती है असहनीय होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। डॉक्टर्स का मानना है कि जो लेबर पेंस होती हैं वो मानसिक होती हैं, मीन्स महिला जितनी ज़्यादा दर्द अपने दिमाग में फील करती है, जितना ज़्यादा वो दर्द को महसूस करती है उतना ही दर्द उसे ज़्यादा फील होता है। लेकिन अगर वो उस दौरान अपना दिमाग किसी और तरफ लगाने की कोशिश करे तो लेबर पेंस कम महसूस होती है। एक सच्चाई ये भी है कि जैसे आप लेबर पेंस में जाती हैं, अगर आप पेंस के बारे में सोचती हैं तो आप पेन ही महसूस करेंगी, ज़्यादा पेन महसूस करेंगी। बट अगर आप होने वाले बच्चे के बारे में सोचेंगी कि इन पेन से गुजर के आपके हाथ में एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा आने वाला है जो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर देने वाला है, तो आपको ये पेन भी महसूस नहीं होगी या बहुत कम महसूस होगी। इसके अलावा पेन को कम करने के लिए आप जब लेबर पेन्स आपकी स्टार्ट होनी शुरू होती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सीढ़ियाँ उतरनी शुरू करिए। जब तक आप पूरी तरह से लेबर में नहीं चले जाती हैं तब तक आप वॉक करती रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, पैरों के बल बैठें उठें जितनी बार हो सके, बेड रेस्ट बिल्कुल ना करें लास्ट के दिनों में, इससे आपकी डिलीवरी जो है थोड़ी आसानी से हो जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपका मनोबल बढ़ाने में काम आई होगी। अगर ये वीडियो आपके काम आने वाली है तो प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तब तक हमें दीजिए इजाजत।